हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाहिद यूनिक वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तवा बर्गर बनाने की रेसिपी। ये बर्गर बहुत ही यमी तैयार होगा बनकर अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तवा बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, ये फाइन चॉप प्याज हम डाल देंगे 2। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम ट्रांसलूजेंट होने तक, जब तक ये हल्की सी ट्रांसलूजेंट ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये हल्की सी क्रंची रहे, हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसमें अपने डाल देंगे 2 ग्रीन चिली बारीक काट कर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई ये भी हमारी। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं अपने, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, धीरे आंच पर ही हम इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाले बिल्कुल भी ना जले और अच्छे से भुन जाए। देखिए हमारे मसाले भुन गए अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई। अब डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई गाजर, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है फाइन चॉप, इसको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ 1 टमाटर, इसको हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक स्वाद के अनुसार अपने नमक इसमें डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने से सब्जियां बहुत जल्दी से सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, हमारी सभी वेजीज अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। इसको हम भून लेते हैं मीडियम आंच पर। इसमें डालेंगे हम बॉइल्ड आलू, मैंने यहाँ 3 छोटे आलू का यूज़ किया है। अगर आपके आलू बड़े हों तो आप 1 या 1.5 ही यूज़ कीजिएगा, या मैंने छोटे छोटे आलू यूज़ किए हैं। इसको इस तरह से फोड़ देंगे हाथों से और मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। इसको हम मैशर से अच्छे से मैश कर लेते हैं। स्पून से हम लोग मिक्स कर लिया है, मैशर से इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सभी वेजिस के साथ आलू मिक्स हो गए हैं। ये देखिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आप चाहें तो पीसी खटाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। इसमें डालेंगे 3 चम्मच टमाटो केचप, 2 चम्मच रेड चिली सॉस, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हम 1 मिनट तक और भून लेते हैं। ये देखिए हमारा वेजीज अच्छे से पक कर बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे एक प्लेट पर बाहर निकाल लेते हैं। अब हम अपनी बन की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक बन ले लिया है, इसको हम इस तरह से नाइफ से बीच से कट कर लेंगे, बीच से बिल्कुल। ये देखिए अब हम एक तरफ लगाएंगे रेड चिली सॉस, अच्छे से इसको कोट कर लेते हैं रेड चिली सॉस से। एक तरफ लगाएंगे ग्रीन चिली सॉस, आप चाहे तो ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से लगा लेते हैं अपने बर्गर्स पर, बर्गर बन पर। अब इसमें हमने जो वेजेस तैयार किए हैं इसको अच्छे से ऊपर अच्छे से हम इसमें कोटिंग कर देते हैं। हमने जितना मसाला तैयार किया है बर्गर के लिए उसमें
चार से पांच बर्गर आराम से बन जाएंगे। देखिए कितने अच्छा सा मैंने कोट कर दिया है, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, इसको अच्छे से कोट करके बंद कर लेते हैं। अब तवे पर डालेंगे एक चम्मच मक्खन, इसको हम लोग हल्का सा पिघलने देंगे। थोड़ी सी कटी हुई बारीक हरी धनिया डाल देंगे उसमें। ये देखिए हमारा मक्खन पिघलना शुरू हो गया। अब हम इसमें अपनी बन डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। इसे बन डालकर हम फ्राई कर लेते हैं। हम दोनों साइड को अच्छे से सेक लेते हैं 10 से 20 सेकंड के लिए। ऊपर से इसमें हम चीज़ डाल देंगे, आप अपनी मनपसंद चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ या चीज़ क्यूब्स, आपको जो पसंद है आप उसमें इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ डाल दिया है थोड़ा सा। अब हम इसको ऊपर से बंद कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा मैंने चीज़ भर दिया है इसमें। ऊपर से बंद कर देते हैं और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ मैं ऊपर भी डाल देती हूँ, जिससे हमारा बर्गर देखने में बहुत ही यमी सा नज़र आएगा। ये देखिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा बर्गर अच्छे से सिक गया है। अब मैं इसको टर्न कर देती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं और इसको हम ढक देंगे अब एक कटोरे से, या आपके पास कोई गहरी लिड हो तो आप उससे भी ढक सकते हैं। इसको हम 30 से 40 सेकंड तक ढककर एकदम धीमी आंच पर पकाएंगे। ये देखिए हमारा बर्गर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, इसको एक प्लेट पर निकालते हैं। ये देखिए कितना बर्गर हमारा यमी सा बनकर रेडी हुआ है। आपको मेरा वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।